हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेंथ, मोनोलिटी एंड मोनालिटी। ये तीन टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं और जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका, एक तो मोनालिटी है, एक मोनालिटी है। इन दोनों को ज़्यादा क्लियरली करना आपको। और पहले मैं बात करता हूँ कि स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ को हिंदी में शक्ति बोला जाता है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, तो ध्यान रखना, इसको यदि सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसकी बात होगी, ऑफ सोल्यूट। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बात की है कि जब भी जो चैप्टर हम ये वाला यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में सभी चीज़ जो सोल्यूशन डिपेंड होगा सोल्यूट पर होगा। तो किसी भी सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होगी, शक्ति होगी, वो भी सोल्यूट पर डिपेंड होगी। तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसोल्व या डिसोल्व्ड, ठीक है, डिसोल्व होगा कितना, डिसोल्व पर लीटर ऑफ ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है, अब समझना। यानी बात क्या कर रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा किसमें, ग्राम में, वो डिसोल्व होगा पर लीटर में। यानी कि सिंपल से यदि मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, मेरे पास ये सॉल्यूशन है, देखो ये इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है। तो इसमें सिंपल सा बस इतना ध्यान रखना है कि जिससे हमारे पास एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने माना कि 1 लीटर आपके पास क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में मैंने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है 20 ग्राम, कितना डिसॉल्व किया है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम यदि मैंने डिसॉल्व सॉल्यूट किया है, ओके सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्यूट। अब जितना मैं सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व कर रहा हूँ वो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। यानी कि इस सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 20 ग्राम। क्यों है, क्योंकि मैंने बोला है पर लीटर होना चाहिए, यानी कि 1 लीटर में। हमेशा हम 1 लीटर में किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ 2 लीटर, क्या कर दिया मैंने, 2 लीटर। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर है। अब 2 लीटर है बट यहाँ पर सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम है, लेकिन मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोलती है स्ट्रेंथ की, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। जब भी हम स्ट्रेंथ निकालेंगे तो उसके लिए 1 लीटर सॉल्यूशन होना आवश्यक है, 1 लीटर सॉल्यूशन का होना जरूरी है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 लीटर है, तो यदि 2 लीटर इक्वल टू कितना हो रहा है, 20 ग्राम। तो मुझे 1 लीटर अपन 1 लीटर करना है, तो इसमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वल के इधर भी हम 2 का डिवाइड जब कर देंगे तो यह कितना आएगा, 1 लीटर इक्वल टू कितना जाएगा आपका, 10 ग्राम। सिंपल सा है। यानी कि अब यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ कितनी बची, इसकी पावर, ठीक है, पावर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम स्ट्रेंथ को, पावर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी पावर कितनी बची है, अब केवल 10 ग्राम। इस सॉल्यूशन की पावर 10 ग्राम यदि 2 लीटर है तो, क्योंकि इसमें हमने 20 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है। ओके, तो स्ट्रेंथ बिल्कुल ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जितना भी आपको सॉल्यूशन दे उसको बस लीटर में कन्वर्ट कर दो, और जैसे हम लीटर में कन्वर्ट सॉल्यूशन को कर रहे हैं तो सॉल्यूट को भी उसी के हिसाब से आपको कन्वर्ट करते जाना है, जैसा मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे मोलारिटी की। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। मोलारिटी की हम बात करने वाले हैं, मोलारिटी क्या होगी, इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे मोलारिटी की और मोलालिटी की। तो देखो बच्चों, अलग अलग बात करने से अच्छा है कि हम इसको एक साथ कंपेयर करें, क्योंकि कंपेयर करने में क्या होता है, चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाती है। तो मैं एक तरफ लिख लेता हूँ मोलारिटी। ओके, स्ट्रेंथ आपने समझ लिया है, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, स्ट्रेंथ बहुत स्मार्ट टॉपिक था। अब हम बात करेंगे मोलारिटी की एंड मोलालिटी की। तो एक तरफ मैंने लिख दिया आपका मोलारिटी, क्या लिख दिया, मोलारिटी, और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ मोलालिटी, मोलालिटी। ओके, डिफरेंस वर्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं, जब भी मोलारिटी की बात होगी तो इसमें क्या होगा, मोलारिटी को जब हम डिफाइन करेंगे तो मोलारिटी को डिफाइन कैसे करना है, इसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा, इसमें सॉल्यूशन कितना रहेगा, 1 लीटर सॉल्यूशन कितना रहेगा, 1 लीटर सॉल्यूशन। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व होगा उसको हम मोलारिटी कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, यहाँ पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा।
तो 1 लीटर सॉल्यूशन है और यहां पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। यहां पर सॉल्वेंट है, ध्यान रखना क्या है यहां पर सॉल्वेंट। अभी हम इसके आगे जब नॉर्मलिटी पढ़ेंगे फॉर्मलिटी पढ़ेंगे उन सभी में हमेशा 1 लीटर सॉल्यूशन रहेगा। बस एकमात्र ध्यान रखना है कि जो मोलालिटी रहेगा उसमें 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, बस इतना सा ध्यान रखना है आप। तो यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन रहेगा, इसमें 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें भी कौन डिजोल्व होगा, सोल्यूट। कौन डिजोल्व रहेगा, सोल्यूट। और इसमें भी डिजोल्व कौन रहेगा, सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट। इसमें भी नंबर ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होगा, इसमें भी नंबर ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होगा, बट यहां पर सोल्वेंट रहेगा 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, और यहां पर 1 लीटर सोल्यूशन रहेगा। एक और चीज, इसको हम मोलरिटी जो होती है इसको डिफाइन करेंगे कैपिटल एन से, ओके। और यहां पर जो मोलालिटी होगी इसको हम किससे शो करेंगे, स्मॉल एम से, ओके। अब मैं एक फॉर्मूले की बात कर लेता हूं, तो कैपिटल एम मीन्स मोलारिटी, मोलारिटी होगा डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू वी आएगा। बच्चों यहां पर मैं कंपेयर करके आपको बस समझा रहा हूं, इसका जो सॉल्यूशन होगा वहां पर आपको सीक्वेंस वाइज पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। वीडियो के लास्ट में आपको पूरा सीक्वेंस से आपको नोट्स मिल जाएंगे। कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 एम इंटू वी। अब ये क्या है मैं भी बताता हूँ, ये फॉर्मूला है ये मोलरिटी को शो करने का। ऐसे ही आपका मोलालिटी, मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलालिटी क्या जाएगा, डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू। अब देखना दोनों फॉर्मूले को यदि आप एक बार देखोगे तो यहाँ पर वी आ रहा है और यहाँ पर डब्ल्यू आ रहा है, बाकी सब सेम है। तो ये वॉल्यूम को शो करता है क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन था यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ग्राम में था यानी कि वेट, वेट यानी कि ग्राम था आपका, वॉल्यूम मीन्स लीटर था, ये चीज है यहाँ पर। अब वेयर, एक चीज समझना, वेयर डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू होगा वेट ऑफ, एक काम करते हैं मास ऑफ सोल्यूट, क्या रहेगा मास ऑफ सोल्यूट, ओके। अब यहां भी यदि हम बात करें W क्या होगा, W क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो मास ऑफ सोल्यूट, ओके बच्चों। देखो इससे क्या होगा, कंपेयर करने से आपको आसानी से दोनों चीज याद हो जाएगी, है ना। अब क्या होगा स्मॉल m, स्मॉल m होगा आपका याद रखना मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट का जो रहेगा मास रहेगा। और यहां भी स्मॉल m क्या शो करेगा, ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ओके। अब v क्या होगा यहां पर, तो v होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। और यहां पर w क्या होगा, तो ये वेट होगा, क्या होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। दोनों को मैंने कंपेयर करके आपको बताया है कि किस तरीके से हम मोलालिटी को और मोलालिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा और यहां पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा, इसमें जो सॉल्यूट डिजोल्व होगा इसमें भी सॉल्यूट डिजोल्व होगा, ठीक है, दोनों में सॉल्यूट डिजोल्व होगा, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम दोनों कंपेयर करके मोलालिटी को और मोलालिटी को शो कर सकते हैं। अब बात आती है इनके इनके न्यूमेरिकल्स की, तो अब बच्चों हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में किस प्रकार किस टाइप से आपको सोल्व करना है, तो बच्चों न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूले यूज ये दोनों ही करने हैं, लेकिन क्वेश्चन में जब भी आपको सबसे स्मॉल क्वांटिटी दिखाई दे ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सवाल हम सोल्व करने वाले हैं, तो जो स्मॉल क्वांटिटी दिखाई दे वो सॉल्यूट होगा हमेशा, और जो मैक्सिमम क्वांटिटी हो वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है या वेट ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है। बट बात आती है मॉलिक्यूलर मास की, तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास आपको याद रखना, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं, क्या याद रखना है आपको मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास किसे याद रखना है, तो देखना किसकी बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास आप चाहे तो 2 से 4 अपने पास मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल्स का आप याद रख सकते हैं, जैसे H2O का आपका होता है 18, है ना, NaOH का होता है 40, NaCl का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 58.5, उसके बाद ग्लूकोज का कितना होता है 180, ऐसे यूरिया का कितना होता है, यूरिया का होता है आपका 60, ओके। तो ये होते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास या तो आप ये याद रख लें, ये आपके सिलेबस में इससे बाहर कुछ है नहीं अभी हाल फिलहाल के लिए, बट इसको निकाला कैसे जाता है, जैसे H2O है तो H क्या आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है,
तो 1 इंटू इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पर 2 एटम है तो 2 इंटू हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ऑक्सीजन आपका जब पीरियोडिक टेबल में आप लिखोगे तो 8 नंबर पर आता है, बट कितने नंबर पर आता है 8, इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन एटॉमिक मास कितना है इसका 16, ये ध्यान रखना। एटॉमिक मास क्या होता है, लगभग एटॉमिक नंबर का डबल एटॉमिक मास होता है, तो कितना निकल के आएगा 18। ओके, ऐसे ही आप NaOH का जब निकालोगे तो NaOH, देखना NaOH का कैसे निकालेंगे, Na का होता है 23 एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 11 है बट एटॉमिक मास डबल से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक मास 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा, एटॉमिक नंबर भी एक होता है इसका, एटॉमिक मास भी एक ही होता है, बट यहाँ पे दो एटम थे इसलिए हमने दो का इंटू किया था। ये कितना होगा टोटल, इसको टोटल करते तो 40 आ जाएगा आपका। ऐसे यदि हम बात करें NaCl की यहाँ पर, ओके NaCl की, ठीक है बच्चों, तो NaCl का कैसे निकलेगा, तो Na का तो 23 होता है, प्लस Cl क्लोरीन आता है 17 नंबर पर, एटॉमिक नंबर 17 बट इसका एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैं पीरियोडिक टेबल का एक वीडियो बना दूंगा उसमें एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी आप इसको याद रखें 58.5। उसके बाद ऐसे आप ग्लूकोज का निकाल सकते हैं, ऐसे यूरिया का निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं ग्लूकोज का निकालता हूं, तो ग्लूकोज का कैसे निकालेंगे जल्दी से आप निकाल लें। कार्बन आता है आपका 12 नंबर, एटॉमिक नंबर 6 होता है इसका, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, बट एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 एटम है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है इंटू 12 एटम है तो 12 का इंटू किया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है ना इंटू 6 एटम है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए आप करके 12 6 जा 72 प्लस 12 1 जा 12 प्लस 16 6 जा कितना हो जाएगा 96। तो इसको आप ऐड कर लीजिए तो टोटल 180 निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे आप यूरिया का भी निकाल लेना, तो आप यूरिया का भी निकाल सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर मास है, ये मैंने इसलिए बताया, आप चाहे तो कैलकुलेशन करके आप फाइंड करें या डायरेक्टली आप याद रखें, डायरेक्टली आप याद रख लें तो बहुत अच्छा होगा। इतने ही आपको याद रखना है, मेनली आपको एक तो वाटर याद रखना है NaH और एक NaCl, ये तीन ज्यादा याद रखना आप, ओके ओके, ये तीन याद रख लिया आपने तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम इसके सवाल की तरफ चलते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल्स देखिए आप, एक से दो न्यूमेरिकल्स अपन कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बेटा मैं थोड़ा सा आपको आराम से समझा रहा हूँ ताकि क्या होगा कि चीज़ें आपको क्लियर होती जाए। आप यदि सही से मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें, मतलब कोचिंग भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, यहीं से आप नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, साथ साथ हर एक टॉपिक को मैं क्लियरली, वो सारे ही टॉपिक अपन क्लियर करेंगे, टॉपिक छोड़ेंगे भी नहीं, पूरी यूनिट कवर करेंगे, चाहे उसमें 10 से 20 वीडियो बन जाए उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, बस थोड़ा थोड़ा समय देके आपको डेली स्टडी करना है, ठीक है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स भी बना के देख लेते हैं, तो मैं न्यूमेरिकल लिख लेता हूं। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है न्यूमेरिकल्स टाइप, ताकि हम इसको सॉल्व करना सीख जाएं। अभी हमने जो मोलरिटी पढ़ा है उसी से रिलेट करता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व्ड इन 200 ml ऑफ वाटर, ओके ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलरिटी, क्या फाइंड करना है मोलरिटी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वी नोटेड, हमें पता है, क्या पता है आपको कि मोलरिटी जो होती है उसका फॉर्मूला जो होता है कैपिटल M इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन स्मॉल M इंटू V, मोलरिटी याद रखना, मोलरिटी V, ओनली मोलरिटी में W आएगा, बाकी हम नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी भी आगे पढ़ने वाले हैं, उस सभी जगह पर V यूज होगा। तो सबसे पहले क्या है, W जो होता है ये क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट। तो देखो सोल्यूट पूरे क्वेश्चन में सबसे कम क्वांटिटी होती है, तो 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, ये जो NaCl है सॉल्ट है, ये डिजोल्वड किसमें है 200 ml वाटर में, यानी कि इस पानी में क्या 5.85 ग्राम नमक जो है वो 200 मिलीलीटर पानी में क्या है डिजोल्व है, ओके इजी वे में यदि मैं बात करूं तो हमारा जो स्मॉल w क्या हो जाएगा 5.85 इंटू, फिर आया 1000, तो 1000 ऐसा कैसे आपको नोट डाउन करना है, स्मॉल m, तो स्मॉल m क्या है, तो मैंने बोला था मोलिकुलर मास, स्मॉल m मतलब क्या होता है मोलिकुलर मास, तो मुझे मोलिकुलर मास अभी हमने निकालना देखा था, आपको बता दिया मैंने मोलिकुलर मास यहाँ पर किसका होता है सोल्यूट का, तो सोल्यूट कौन है NaCl, NaCl डिजोल्व बना, तो NaCl की वैल्यू हमने अभी देखा था कितना था 58.5,
इसको सोल्व करके भी मैंने अभी आपको बताया था, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 58.5 इंटू वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 200 ml। ओके बच्चों, ये हो सकता है कि कभी कभी ब्रैकेट में आपको NaCl इक्वल टू क्वेश्चन में मिल जाता है, जैसे NaCl इक्वल टू 58.5 ऐसा क्वेश्चन में भी वो लिखकर दे सकते हैं, बट हमें तो अलग से याद रख लेना है। ओके अब देखो, जब हम पॉइंट हटाते हैं, मेस वाले बच्चे ध्यान देंगे, मतलब बाय वाले बच्चे, मेस वालों को पता होगा, जब पॉइंट ऊपर से हटाते हैं तो वन और टू नंबर जो रहते हैं वैसे वैसे दो जीरो नीचे लगा देते हैं हम, सोल्व करने का सिंपल तरीका। पॉइंट हटाएंगे तो फाइव पॉइंट के अंदर एक नंबर है तो एक नंबर एक जीरो ऊपर लगाना है, ये होगा 585 585, तो इसको मैंने कट कर दिया, यहाँ पे 40 से 40 कट, बचा कितना 1/2, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, आप देखिए इसमें हमको क्या करना है, कैलकुलेट मोलालिटी, यहाँ पर मोलालिटी फाइंड करना है ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का इन विच, जिसमें क्या है कि 4 ग्राम NaOH क्या कर रहा है, इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सिंपल सा देखो इसको यदि हम इमेजिन में समझे थोड़ा सा इमेज से, तो क्या है 4 ग्राम हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि इसमें डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि सोल्यूट है ये, है ना, और सोल्यूशन वॉल्यूम कितना आपके पास 500 ग्राम, ये कितना है 500 ग्राम। अब देखो ये ml में नहीं है, 500 ग्राम में, तो हमेशा ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये मोलालिटी फाइंड करने के लिए होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मोलालिटी फाइंड करना, तो वैसे ही फॉर्मूले आ जाएगा। तो मोलालिटी क्या होता है, फॉर्मूला मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो होता है डब्ल्यू इंटू 1000 स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ओके तो सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट कितना है 4 ग्राम है, तो ये 4 लिया इनटू 1000 आपका ऐसा कैसे करना है, स्मॉल m क्या है, ये होता है आपका सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी केमिकल रहता है उसका हमको ध्यान रखना है, तो कितना होता है इसका 40 होता है, निकालना आपको याद ही है NaOH का, एक बार निकाल देता हूँ, इसका होता है 23 प्लस इसका 16 प्लस 1, कितना हो जाएगा 40, ये एटॉमिक मास है, O का एटॉमिक मास 16 है, H का 1 है। ओके निकालना बताया मैंने आपको, ये डायरेक्टली याद रखे, मैंने पहले बताया था, डायरेक्ट याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है 500, तो ये 500 ग्राम लिखा, यहाँ पे देखो 1 2 3 0 से ये तीनों जीरो कैंसिल, अब यहाँ पे 4 से 4 भी कट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसको आगे सोल्व करोगे तो 0.2 आ जाएगा, है ना। अब क्या हुआ, ये सेकंड क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ, आपको सोल्व करना है, चलो अभी कर लेते हैं हम, है ना, ये समझ में आ गया, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, वैसे स्क्रीन शॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि नोट्स तो आप ऐसे कैसे ही वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन वो करते हैं हम, क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बताना है फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर या H2O बोल देते हैं ना, इसको वाटर बोलते हैं H2O, तो हमको H2O की क्या फाइंड करनी है, मोलरिटी, या कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ वाटर, है ना, ऐसा भी सकता है ये कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर, तो हमें यहाँ पर मोलरिटी फाइंड करनी है H2O की, तो कैसे करेंगे, ओनली क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर, तो कैसे करेंगे, तो बच्चों देखना, सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे मोलरिटी का, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल W m इक्वल टू स्मॉल W इंटू 1000 स्मॉल m इंटू वी। ओके फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, अब सिंपल सा है कि हमें मोलरिटी फाइंड करनी है, तो मोलरिटी होती क्या है, तो सबसे पहले मोलरिटी हमें पता है कि एक लीटर सॉल्यूशन जो होता है, एक लीटर सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो सॉल्यूट डिजोल्व होता है ना, नंबर ऑफ जो सॉल्यूट डिजोल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी कहते हैं, ये हमें पता है। अब यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कुछ है क्या क्वेश्चन में, यहाँ पर H2 है, तो H2O में सॉल्यूशन भी H2 है और सॉल्यूट भी H2 है, यानी कि टोटल 1 लीटर है, तो 1 लीटर को हम सॉल्वेंट भी उसी को मान लेंगे और सॉल्यूट भी, दोनों दोनों चीज एक ही है, तो W की वैल्यू कितनी जाएगी 1000, समझ में आया है, मतलब थोड़ा सा आपको अलग से लग रहा होगा, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम बात करें कि H2O की मोलरिटी फाइंड करना है, ओनली H2O की मोलरिटी, इसमें कुछ भी डिजोल्व हमने अलग से नहीं किया, ये प्योर H2O सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो यदि मैं उसमें सॉल्यूट मानूंगा तो वो H2O ही सॉल्यूट होगा और H2O ही सॉल्वेंट होगा, दोनों चीज
एक ही होगी, और टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर है तो 1 लीटर है तो वेट भी कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट वो भी 1 लीटर ही होगा। 1 लीटर मतलब 1000 ml इनटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास H2O का हमने निकाला था कितना होता है, 18 होता है, तो यहाँ तो ये 18 आ जाएगा क्योंकि वेट सॉल्यूट H2 है आपका, सॉल्वेंट भी H2 है, तो इसका मास कितना जाएगा 18 इंटू वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो H2O जो हम मोलरिटी निकालते हैं तो मोलरिटी के लिए 1 लीटर आता है, तो यहाँ भी कितना जाएगा 1000 30 से 30 कैंसिल, इसको 2 से कट कर लें दोनों को, तो 9500 हो जाएगा ये, और ये 9 हो जाएगा। जब 9 से कट करेंगे तो 5 5 9 5 45 बचे 5, फिर 55.55 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है तो आज के लिए इतना ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट हम कल से नॉर्मेटिव फॉर्मेटिव को मैं आपको बता दूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवा दी है, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करते जाना है, डेली आप स्टडी करते जाएँ। अब मैं आपको